नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको उपाय बताने के लिए जा रही हूँ, ये उपाय आप तभी करना जब इसको करने के सिवाय और कोई चारा आपके पास ना हो, क्योंकि इंसान छोटी छोटी चीज़ों में शत्रुता लाद लेता है और शत्रुता ऐसे करता है कि किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर देता है। और जो भी आप कर्म करते हैं उसका फल एक न एक दिन आपको भोगना ही पड़ता है, इसलिए आप और भी सावधान रहें। और यदि आप इस चीज़ में नहीं भी मानते हो कि नहीं मुझे कर्मों का फल नहीं मिलेगा, जो कि ये होता ही नहीं है, तीन काल में सत्य नहीं है, आप जो भी कर्म करेंगे आपको इसका फल मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। कोई भी आप कर्म करें, कभी जल्दी मिलता है, कभी देर से मिलता है। तो दोस्तों, ये उपाय सिर्फ वे लोग करें जिनके शत्रु बहुत ज़्यादा मजबूत है, पावरफुल है, अतिशय परेशान कर रहे हैं, आपका घर परिवार जिंदगी बर्बाद होने को जा रही हो, तब आप इन चीज़ों का उपयोग करें, अन्यथा ना करें। ठीक है दोस्तों, इसके पहले मैंने जो वीडियोस अपलोड की है, ज़्यादातर मैंने जो आपको टोटके बताए हैं वो टॉयलेट में करने के लिए बताए हैं कि टॉयलेट में आप इस चीज़ पर नाम लिखें और डालें, इस चीज़ को टॉयलेट में डालें, ऐसा करें और शत्रु का नाश होगा। बराबर उसी के साथ दोस्तों, ये भी टोटका जुड़ा हुआ है, उन्हीं टोटकों के जैसा ही है और मंत्र भी दोस्तों अतिशय पावरफुल है। इस मंत्र का आप तभी उपयोग करें, मैं बार बार बताती हूँ, कि जब इसके सिवाय कोई चारा ना हो। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरे शत्रु को कोई असर नहीं हो रही है, लेकिन दोस्तों आप लिख लें इस चीज़ को, इन उपायों को आप कर रहे हैं, आपके शत्रु के ऊपर इफेक्ट तो होती ही है। जिस हद तक आप देखना चाह रहे हैं उस हद तक आपको अभी दिखाई ना दे रही हो, लेकिन इफेक्ट होनी है और होना शुरू हो जाती है। आपको तब दिखाई देगी जब वो इफेक्ट अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है। आप करते रहें अपनी क्रिया को कंप्लीट पॉजिटिव होकर के, टोटल 100% पॉजिटिव होकर के, रिजल्ट दोस्तों बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया आएगा। तो दोस्तों, ये उपाय भी आपको करना है टॉयलेट में ही। ठीक है, बहुत ही खतरनाक उपाय है दोस्तों, बहुत खतरनाक है। मंत्र जो शत्रुओं के मारण का मंत्र है, उसी मंत्र का आप यूज करें। और इसके सिवाय यदि आपके पास शत्रु मारण के कोई और मंत्र हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप यदि किसी मंत्र का यूज नहीं भी करेंगे इस क्रिया में, तो भी इस क्रिया का इफेक्ट बहुत जबरदस्त है। जो नए नए व्यूअर्स आ रहे हैं मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो की पहली बार विजिट ले रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें दोस्तों। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। पता नहीं आपके द्वारा शेयर की गई जानकारी से कब, कहां, किसका भला हो जाए। दोस्तों, बहुत छोटा सा उपाय है, जब भी आप टॉयलेट में जाते हैं, टॉयलेट मेरा मतलब बाथरूम से नहीं है, मेरा मतलब टॉयलेट से है। ठीक है, तो जब भी आप टॉयलेट में जाते हैं, और इस क्रिया को ऐसा नहीं है कि आप एक बार ही करें, इसको आप जितना रिपीट करेंगे इतना आपका शत्रु जल्दी नीचे गिरेगा। गिरेगा क्यों दोस्तों? लगभग लगभग वो चारों तरफ से फिनिश ही हो जाता है। आपको अपने शत्रु का नाम लिख लेना है टॉयलेट के फर्श पर, टॉयलेट के फर्श पर अपने शत्रु का नाम लिखना है। और दोस्तों, उस नाम के ऊपर ही आपको टॉयलेट कर देना है, पानी डाल करके इस क्रिया में उसे बहाना नहीं है, सिर्फ उस पर टॉयलेट करना है। बहुत खतरनाक, आपका शत्रु पागल की हद तक जा सकता है, इस हद तक उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा। उसके नाम के ऊपर आप टॉयलेट कर दें। और दोस्तों, आपको सिर्फ इतना बोलना है, ओम नमो अमुकस्य हन हन स्वाहा। अमुकम अमुकस्य की जगह आपको लगाना है सामने वाले का नाम बोलना है, बराबर हन हन स्वाहा। ये शब्द ही दोस्तों उसको खत्म कर देता है, आपके शत्रु की सारी शक्ति खत्म होने लग जाती है, चारों तरफ से वो परेशान हो जाता है, मुसीबतों में घिरने लग जाता है, रोग उसे ग्रसित कर लेते हैं। कितनी बार आप देखते हैं कि मैडम हम रिपोर्ट निकलवाते हैं, रिपोर्ट में कोई चीज़ नहीं आती है, लेकिन हमारा शरीर अच्छा नहीं रहता है।
आप ऐसे ही टोने टोटको के शिकार बन चुके होते हैं। कभी चौराहे पर आपका पैर पड़ जाना, कभी आपके घर में कोई बुरी चीज का रहना जो आपकी बुराई चाहती है, आपकी भलाई कहीं से नहीं चाहती हो, ऐसी चीज़ें भी आपको तकलीफ में डाल देती हैं। कभी कोई ज़बरदस्त क्रूर ग्रह आपके ऊपर बुरी दृष्टि कर रहा है, तब ऐसे केस बनते हैं। अदरवाइज जैसे ही आपको तकलीफ हुई, आपकी रिपोर्ट में तुरंत आता है कि ये तकलीफ और उसका तुरंत निवारण हो जाता है। ऐसा नहीं हो रहा है तो दोस्तों समझ जाइए कि ऐसी ही क्रियाएं कर दी जाती हैं आपके भी खिलाफ, कि आप उससे हमेशा परेशान होते रहते हैं। तो दोस्तों आपको उसके नाम के ऊपर ही टॉयलेट करनी है। जितना ज़्यादा आप इसको करते रहेंगे, रिजल्ट बेहतर नहीं बहुत बेहतर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? तो करते रहिए। ये सब कुछ समझने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती हो, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। करते रहें, खुश रहें, जय श्री।